नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चिन्मय, चिन्मय गौड़, और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ गिटार के इस नए लेसन में। और आज हम सीखने वाले हैं कर्ज थीम म्यूजिक। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हमारा लेसन शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए, लाल बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो आप तक सही समय पर सबसे पहले पहुंच जाए। खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। अब दोस्तों, अगर मैं ओ कहूंगा तो मतलब ओपन स्ट्रिंग, आपको ओपन स्ट्रिंग प्ले करना है, यानी कि कुछ प्रेस नहीं करना है आपको, कोई फ्रेट को प्रेस नहीं करना। फ्रेट क्या होता है, ये फ्रेट कहलाते हैं अलग अलग खांचे, ठीक है। इसका मैं पूरा अच्छा वीडियो बना दूंगा, बेसिक का बिगनर्स के लिए बढ़िया सी सीरीज बना दूंगा, लेकिन हम पहले इस सॉन्ग को फटाफट से सीख लेते हैं। करना क्या है, वन मतलब फर्स्ट फ्रेट, टू मतलब सेकंड फ्रेट, थ्री मतलब थर्ड फ्रेट, और फोर्थ मतलब फोर्थ फ्रेट, और ओ मतलब ओपन। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग सबसे पतली वाली, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ स्ट्रिंग और सिक्स्थ स्ट्रिंग लास्ट वाली मोटी वाली। अभी वैसे तो ये शायद से ओरिजिनल जो है एफ स्केल में है। अभी स्केल क्या होता है ये भी सब सिखा दूंगा, पर एक बार सुन लो मेरी बात। लेकिन मैं आपको इजी जो आप सीख पाओ, जल्दी सीख पाओ, वो स्केल में सिखा देता हूँ। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ ई स्केल में, यानी कि हमको ई माइनर कॉर्ड प्ले करना है। अब कैसे करता है ई माइनर कॉर्ड प्ले, वापस देख लो एक बार। दो फिंगर्स ली हमने ये वाली और फिर इनको ऐसे रख दी, किस स्ट्रिंग पे, फिफ्थ स्ट्रिंग पे और सिक्स, फोर्थ और फिफ्थ स्ट्रिंग पे, सेकेंड फ्रेट पे, और फिर सबको प्ले किया। ध्यान रहे कि कुछ आपके स्किन नीचे वाले तारों पे टच नहीं करना है। अगर आपने अपनी स्किन को नीचे वाले तारों पे टच किया तो आवाज बजिंग करेगा, आवाज साफ नहीं आएगी। तो ठीक है ना, ई माइनर स्केल में मैं आपको ये सिखा रहा हूं, यानी कि इस स्केल के अंदर, इस आवाज के अंदर। अब स्टार्टिंग करनी है हमको फर्स्ट स्ट्रिंग से करनी है और सेकेंड फ्रेट से, फर्स्ट स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट से। तो मैंने रख दी अपनी सेकेंड फिंगर यहां पे। अभी टू ओ टू थ्री, टू ओ टू थ्री, टू ओ टू थ्री ओ। समझ में आया ना, वापस रिपीट करता हूं मैं, टू ओ टू थ्री, टू ओ टू थ्री, टू ओ टू थ्री ओ। और ओ में आप ई कॉर्ड भी लगा सकते हैं तो एक अच्छा साउंड आएगा। वापिस रिपीट करता हूं, टू ओ टू थ्री, टू ओ टू थ्री, टू ओ टू थ्री ओ। उसके बाद ओ टू ओ टू फोर, ठीक है, ओ टू ओ टू फोर। अब जो पहला टू है वो आएगा सेकंड स्ट्रिंग का, मतलब हमने यहां पे स्ट्रिंग को चेंज कर दिया है। ओ जो है वो फर्स्ट स्ट्रिंग का ही रहेगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ओ टू ओ टू, और सेकंड जो टू आएगा वो आएगा फर्स्ट स्ट्रिंग का। तो हमें यहां पे दो स्ट्रिंग के साथ खेलना है, ठीक है। वापस रिपीट करता हूं, ओ टू ओ टू, तो ओ सेकंड स्ट्रिंग ओ टू, ओ सेकंड स्ट्रिंग टू, ओ फर्स्ट स्ट्रिंग टू, ओ टू ओ टू फोर। फोर भी जो है वो सेकंड स्ट्रिंग का आएगा। तो आप अपनी लास्ट वाली फिंगर से इसको प्ले करना, या फिर चाहो तो इस थर्ड से भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको अच्छा प्रैक्टिस करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद फोर ओ टू टू ओ ओ, फोर ओ टू टू ओ ओ, ठीक है। लेकिन इसमें फोर जो है सेकंड स्ट्रिंग का आएगा, फोर ओ ओ हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग पे ही है। फिर टू टू जो है वापिस फर्स्ट स्ट्रिंग पे आ जाएगा, फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। तो फोर ओ टू टू ओ ओ, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं स्टार्टिंग से प्ले कर रहा हूं, टू ओ टू थ्री, टू ओ टू थ्री, टू ओ टू थ्री ओ, ओ टू ओ टू फोर, फोर ओ टू टू ओ ओ।
अब जहां पे ये फोर आ रहा है ना सेकंड स्ट्रिंग का फोर, वहां आप बी कॉर्ड लगा सकते हो। जो तीन फिंगर है पहली उंगली को छोड़ के, उन तीनों को रखना है हमें सेकंड थर्ड फोर्थ स्ट्रिंग पे, फोर्थ फ्रेट पे। और जो पहला है हमारी उंगली, उसको हमको यहां पे रखना है। कहां पे रखना है? फर्स्ट स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे। ये हमारा बन गया बी कॉर्ड, ठीक है। तो जब भी फोर आएगा आपको ये आप प्ले कर सकते हो बी कॉर्ड। यहां मैंने ई कॉर्ड यूज कर लिया, उसके बाद जो ये आ रहा है ना ओ टू ओ टू फोर, ओ टू ओ टू फोर के अंदर मैंने ये यूज किया बी कॉर्ड। समझ में आ गया है ना? मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, पूछिए। कुछ भी सीखने की इच्छा हो, अच्छा कुछ सजेशन हो तो दे सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। और अब मैं आपको बहुत जल्दी एक बिगनर्स की सीरीज अपलोड करने वाला हूँ, उसके अंदर बहुत कुछ डिटेल में समझाने वाला हूँ, उसका जरूर इंतजार करिएगा। और आपका प्रेम बनाए रखिएगा, प्रेम बांटते रहिएगा, खुशियां बांटते रहिएगा, मोहब्बत बांटते रहिएगा। तो दोस्तों मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले लेसन में। जय भारत और जय हिंद।